बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से खैर खैरत से हैं जी। मेरा नाम नज़र अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मगसी व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। देखते हैं हम आज के व्लॉग में आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप पीछे सैलाब, सैलाब के हवाले से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आगे एक मेरे घर के साथ एक घर है, वहाँ पर जो है ना कुछ नुकसान हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वहाँ के नुकसान। देखें दोस्तों, ये मकानात जो हैं, ये गरीब इंसान है एक, उसके ये कच्चे मकान हैं, तो जो है ना ये गिर गए हैं। मैं अंदर जा नहीं सकता इस टाइम, वो घर पर नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ, घर से पर्दा होता है उसके घर, तो इसलिए मैं आगे वाली साइड जो है वो नहीं दिखा सका। ये बैक साइड आप देखें, जो पिछली साइड पे एक मकान नज़र आ रहा है छोटा सा, ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है ये ना, ये पूरी तरह से अंदर से जो है ना गिर चुका है। इसकी फ्रंट वाली साइड जो है ना वो भी गिर चुकी है। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे नुकसान हुए हैं, गरीब जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सैलाब की वजह से। तो अल्लाह पाक जो है ना करम करे, रहम करे इन गरीबों पर, हम सब पर, जितने भी मुसलमान हैं ना उन पर ये अल्लाह ताला जो है ना करम करे। इन सैलाब जैसी और मुसीबतें जितनी भी हैं ना, अल्लाह इन सब मुसीबतों से हम सब को बचाए रखे। तो देखें दोस्तों, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम चाचा रहीम भाई, क्या हाल है? परेशानी थी नहीं पई है बहुत ज़्यादा? चलो अल्लाह मेहरबानी करे सी। क्या हाल इनसे, ठीक हो? परेशानी थी नहीं पई? अभी अभी एक बंदा मिला है, गरीब था, तो उससे कुछ गुफ्तगू हुई है ऐसे रास्ते में। वीडियो उसकी नहीं बना सका, तो उसने कहा जो अब जो है ना किराना वाले यहाँ पर उधार भी नहीं दे रहे, और अब जो है ना हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को। तो जो है ना दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर करे। देखें दोस्तों, इधर उधर गन्ना और पानी। स्लिप होने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मिट्टी जो नीचे होती है ना वो चिकचिली होती है, उस पर थोड़ी जो है ना पक्की मिट्टी का हिसाब जो है ना, यहाँ पे पैर पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा वो स्लिप होते हैं, स्लिप होने का ख़तरा होता है। ये देखें, वहाँ तक जाना है, आगे भी जाना है, तो जा रहा हूँ। बाकी तो कुछ नहीं, बस सांप वगैरह से डर लगता है, कहीं से सांप ना निकलें, बाकी तो डर नहीं लगता, परेशानी होती है बस। अब जो है ना देखो, इतना सफ़र चलते चलते, सफ़र इतना नहीं है, बाकी पैदल चलते चलते जो है ना पानी से आराम आराम से बंदा जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। देखें दोस्तों, मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, और मैं जो है ना तकरीबन यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। बहुत ही गहरे खड्डे हैं यहाँ पे, पता नहीं चलता, पाँव नीचे चला जाता है। ओहो,
ये देखें मैं तकरीबन पहुंच आया हूं। ये देखें दोस्तों, मैं जो है ना अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे भांजों के घर। हैं जी, मैं यहां पे पहुंच गया हूं और जो फसल है उन्होंने उठा के अंदर रखी है। ये देखें ये सारी यहां पे जो है ना फसल, टोटल जो है ना ये तिल की फसल है और यहां पे उन्होंने अंदर रखी है, क्योंकि ये देखें रकबे पे टोटल जो है ना इधर उधर पानी है, सारा खेत में सारा पानी है, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है ये। तो दोस्तों यूँ है कि मगरिब होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। तो दोस्तों आज के व्लॉग का इख्तिताम यहीं पर, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब के लिए खुदा हाफिज़।